एप ईयर स्मृति प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखते हैं। 200 लॉक्स से क्या बोलते हैं लॉक्स। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन द बॉटम। इसमें कितना है 20 लॉक्स। सेकंड में 19 लॉक्स, यानी कि इसकी बात करें तो इसमें कितना है 19 लॉक्स। सिमिलरली थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हमारा क्या है 18 लॉक्स, इसमें कितना है 18 लॉक्स। दैट मीन्स 20, 19, 18, 17 इस तरीके से अरेंज किया हुआ है ब्लॉक को, जो वुडन प्लैंक है या ब्लॉक बोल सकते हो। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। यानी कि अगर इस तरह से हमने रखा 20, 19, 18, 17, 16, तो कितने रो ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉक्स का काउंटिंग कितना हो जाए 200, कितना हो जाए 200। तो यहां पर एक चीज हमें ये क्लियर हो गया है यहां से कि फर्स्ट जो हमारा है फर्स्ट लॉक, यानी फर्स्ट लॉक की बात करें, सॉरी तो फर्स्ट रो कंटेन्स 20 लॉक्स, करेक्ट। दैट मीन्स ए सेकेंड रो कंटेन्स 19 लॉक्स, थर्ड रो कंटेन्स 18 लॉक्स। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी सेकंड रो को अगर सेकंड रो का जो लॉक्स है माइनस फर्स्ट रो का लॉक्स क्या हो जाएगा 19 माइनस 20 दैट इज माइनस 1, करेक्ट। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमें पता है, टोटल हमें कितना लॉक्स चाहिए इस अरेंजमेंट के बाद 200, यानी कि सम ऑफ लॉक्स जो है हमारे पास क्या है सम ऑफ लॉक्स जो है दैट इज 200। तो सम ऑफ लॉक्स इज इक्वल टू 200। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इन हमारा क्या है नंबर ऑफ रोज, जिसमें हमारे पास क्या है 200 टोटल, उसमें लॉक्स हमारा इंक्लूड होगा सारे काउंट करने पर। तो यहां से हम लोग देखते हैं इसको करके, तो सम ऑफ लॉक्स यानी ये क्या है एस, ये हमारा क्या है 200। इन हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है कि नंबर ऑफ कितने रोज होंगे। तो एन बाई 2a, a हमारा क्या है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज माइनस 1। तो 200 इज इक्वल टू n बाय 2 40 माइनस n प्लस 1। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 400, टू इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, एन 41 माइनस एन दैट इज 400 इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर। ये क्या फॉर्म कर गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेफ्ट हैंड लेके आया एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर हंड्रेड को हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा टू टू हंड्रेड हंड्रेड टू फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव फाइव फाइव
तो यहां से अगर ये नंबर ले ले हम लोग, दैट इज 16, दिस इज 25, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन। देखो आप क्या 41 एन बन रहा है प्लस 400 इक्वल टू जीरो, तो एन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एन माइनस 16 माइनस 25, सो एन माइनस 16 डिवाइड करो 400 को 25 से, 16 आएगा। ये टर्म ये टर्म हमारा क्या है, सेम है, तो एन माइनस 16 इंटू एन माइनस 25 इंटू जीरो, तो एन इक्वल टू एन माइनस 16 इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू 16 एंड एन माइनस 25 इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू 25। तो हमारे पास क्या आ गया, दो वैल्यू। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट इसमें, तो यहां पर हमारा एन का वैल्यू आ गया 16 एंड 25। सो एन यानी कि 16 रो का जो समेशन है मैथमेटिकली वो क्या बता रहा है कि 200 इसमें लॉक्स होंगे, एंड 25 रोज यानी कि 20 19 18 ऐसे करके रखा जाएगा, उसका सम क्या होगा, उसका भी सम क्या होगा 200। अब हम लोग यहां पर फिजिकल जो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉक्स के बारे में, देखते हैं कि कौन सा वायबल है, पॉसिबल है, फिजिबल है कि नहीं। तो सेकंड पार्ट ये था इसमें कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, यानी कि टॉप रो मतलब 16 रो में कितने होंगे लॉक्स और 25 रो में कितने लॉक्स होंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर n इज इक्वल टू 16, तो a 16 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए हमारा क्या है 20, फर्स्ट में 20 था a का वैल्यू, n हमारा क्या हो गया 16 माइनस 1, d इज माइनस 1, तो 20 प्लस 17 सॉरी 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज 5। तो ए 16 टॉप का जो रो होगा 16 रो उसमें कितने होंगे 5 लॉक्स होंगे। सिमिलरली हम लोग कोशिश करते हैं ए 25 देखने का इसमें क्या होता है, तो n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25, तो a 25 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए हमारा क्या है 20, n हमारा क्या है 25 माइनस 1 इंटू डी, तो 20 प्लस 24 माइनस 1 इंटू दैट इज 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4, तो a 25 में यानी 25th रो में कितने लॉक्स होंगे माइनस 4। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वुडन प्लैंक हो या उसकी काउंटिंग माइनस में हो, कि नहीं नहीं 25th रो में माइनस 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं लॉक्स, पॉसिबल है नहीं। तो दैट मींस जो पॉसिबिलिटी है, जो वायबल है, पॉसिबल क्या आंसर होगा ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें, क्यों, क्योंकि माइनस 4 लॉक्स नहीं हो सकते। तो हम लोग कौन सा कंसिडर करने वाले हैं, ए 16, यानी कि 16 रो तक हमारा लॉक्स की टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगा 200, एंड 16th रो यानी ए 16 में नंबर ऑफ लॉक्स क्या हो जाएगा 5, करेक्ट।